नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। आम आदमी पार्टी आगरा चुनाव के लिए पूरे दमखम से तैयार। आगरा नगर निगम चुनाव का बिगुल अब बज चुका है। आम आदमी पार्टी नगर निगम का चुनाव बहुत ही दमदारी से लड़ेगी। इसी क्रम में आज नगर निगम प्रभारी नीलम यादव प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा आगरा दौरे पर है, जिसमें आज पार्टी कार्यालय पर प्रत्याशियों द्वारा आवेदन लिए गए। कार्यालय पर कई लोगों ने एवं प्रत्याशियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पार्टी आगरा नगर निगम की सभी सीटों पर चुनाव दमदारी से लड़ेगी। पार्टी ने एक चुनाव प्रबंधन समिति का गठन भी किया है। इस समिति में नीलम यादव, दिलीप बंसल, कपिल वाजपेयी, पूर्व प्रदेश सचिव मुकेश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं कल्याण ब्रज प्रांत कोषाध्यक्ष गौरव राय चुनाव समिति का सारा प्रबंधन देखेंगे। आवश्यकता पड़ने पर कुछ और साथियों को भी चुनाव प्रबंधन समिति में लिया जा सकता है। मैं दिलीप बंसल, महानगर अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी आगरा। आज नगर निगम चुनाव से संबंधित एक बैठक रखी थी, जिसमें श्रीमती नीलम यादव जी द्वारा एक चुनाव प्रबंधन समिति तैयार की गई है, जो आने ये जो नगर निगम का चुनाव है, जो उसको लड़ाने के लिए एक अच्छे तरीके से लड़ाने के लिए पूरा काम करेगी। लगभग अब तक हम पे 65 प्रत्याशियों के आवेदन आए हैं, जिनकी फाइनल लिस्ट जो है आपको कल या परसों जो ऊपर भेज रहे हैं वहाँ से प्रकाशित हो जाएगी कि कौन कौन प्रत्याशी है। बाकी लोग भी संपर्क में हैं, संभवतः कल या परसों तक हम पे पूरे 100 वार्ड के प्रत्याशी और मेयर का प्रत्याशी हम पूरा दे देंगे। मेरा नाम नीलम यादव है, मैं उत्तर प्रदेश की महिला अध्यक्ष, आगरा नगर निकाय चुनाव प्रभारी। इस प्रकार से आज का जो प्रोग्राम है, आज जो प्रेसवार्ता बुलाई गई है, इस हमारे जो नगर निकाय चुनाव की आम आदमी पार्टी पूरी दमदारी से चुनाव की तैयारी कर रही है। दूसरा है कि चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 4 मई से चुनाव होंगे, 2 चरण में चुनाव होंगे। आम आदमी पार्टी जो है पूरी उत्तर प्रदेश में दमखम से अपना चुनाव की तैयारी के लिए उतरेगी। और हमारे आगरा में जो वार्ड, जैसे वार्ड 100 वार्ड हैं, तो उसमें हमारे कम से कम 65 वार्ड के प्रत्याशी की लिस्ट तैयार कर ली गई है, जिसमें से कल या परसों में 35-40 लोगों के नाम को हम लोग घोषणा कर देंगे। और रही बात मेयर की, तो मेयर का जो चुनाव कैंडिडेट हैं, उस कैंडिडेट का हम लोग 2-3 दिन के अंदर सिलेक्शन करेंगे। 4-5 नाम आए हुए हैं और सिलेक्शन करने के बाद उनकी घोषणा करेंगे। अब तक कितने प्रत्याशियों ने नामांकन किया? अब तक 65 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। सुबह से आज ताता लगा हुआ प्रत्याशियों का आवेदन फॉर्म भरने के लिए, और उनके जो प्रत्याशी पहले से जो फाइनल थे उनके डॉक्यूमेंट को वेरीफाइड करने का काम जारी हो रखा कार्यालय में। नमस्कार, मेरा नाम सपना गुप्ता है, मैं आम आदमी पार्टी में महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हूँ। आज एक चुनाव समिति की तैयारी करी गई ताकि हम दमखम से नगर निगम के चुनाव लड़ सकें, और उसी की तैयारी में एक प्रेस वार्ता रखी गई है, जहां पर हम अपने नगर निगम की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। नगर निगम आगरा में अब तक सिर्फ भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, और हम अपनी जनता को, आम आदमी को और पूरे शहर को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार अब अगर उन्हें ख़त्म करना है तो उन्हें एक बार आम आदमी पार्टी को चुनना ही होगा और उन्हें आजमाना ही होगा, ताकि ये भ्रष्टाचार खत्म होकर सिर्फ और सिर्फ तरक्की हो सके, उनके शहर में एक विकास का रास्ता बन सके। देखा, पिछले काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि कई बार आम आदमी पार्टी ने प्रयास किया है लेकिन आगरा में जगह नहीं बना पाए, क्या कारण? आम आदमी पार्टी हमेशा से ही आगरा में अपनी जगह बना रही है। चूँकि अभी तक सरकार और भारी बहुमत से अभी तक दूसरी सरकारें आई हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी हमेशा से ही आगरा में एक अच्छा विकल्प के रूप में रही है, और मुझे लगता है कि इस बार आम आदमी सिर्फ विकल्प के रूप में नहीं रहेगी बल्कि पूर्ण रूप से बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट, जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज
इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा। लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।